सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। मनुष्य का धर्म क्या है? हमारे भारत में ऐसे ऐसे सत्यवादी राजा हुए हैं और आज उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के देश में हम लोग बार बार बात बात पर झूठ बोलते हैं। थोड़े से फायदे के लिए हम लोग अपना धर्म नष्ट कर देते हैं। ये पहचान नहीं रही है भारतीयों की भक्तों, हम लोग सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। हम बिक जाते हैं पर अपने धर्म को छोड़ते नहीं। भक्तों, भागवत ऐसा विशाल ग्रंथ, जिस ग्रंथ में अनेक अनेक प्रश्न और उनके समाधान हैं, भगवान के 24 अवतारों की सुंदर चर्चा भागवत में। भगवान ने कितने अवतार लिए हैं? 24। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल्कि अवतार, पृथुराजा, 12 पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार भगवान किस प्रकार से, एक एक अवतार के पीछे कोई ना कोई हेतु था, कारण था। 24 अवतारों की चर्चा श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाई। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, ये भागवत की रचना किसने की और क्यों की? तब सूत जी ने कहा कि भागवत को लिखने वाले का नाम है श्री वेदव्यास जी। भागवत क्यों लिखी गई? बोले, मनुष्य आपाधापी में उलझ करके भूल गया था कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, सब भूल गया, इसलिए उसे उसके धर्म की याद दिलाने के लिए भागवत को लिखना पड़ा। आपके जीवन में ज्यादा वक्त नहीं है, कोई बात नहीं, यदि आप अपने जीवन में 7 दिन निकालकर और भागवत की कथा धारण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इन 7 दिनों में ही आपका कल्याण हो जाएगा। निश्चित मानिए कि 7 दिन की कथा से ही मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। कितना भी बड़ा पतित क्यों ना हो, वो 7 दिन की कथा से पावन हो सकता है। इसलिए आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, कोई बात नहीं, पर 7 दिन तो निकालना ही चाहिए।